क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझना अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटरल्स चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 3.3 और उससे पहले के एग्जांपल्स को करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजों का जानना बहुत जरूरी है। अगर हमने इसको जान लिया तो आप ये समझ लो कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर मतलब जो 3.3 है वो पूरा का पूरा समझ में आ गया। तो आइए शुरू करते हैं। चतुर्भुजों के प्रकार काइंड ऑफ क्वाड्रेटरल्स। भाई चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो बहुत तरीके के चतुर्भुज होते हैं। इस आपके चैप्टर में जितने चतुर्भुज दिए गए हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। समलंब, ट्रैपिज्म। ट्रैपिज्म किस तरह का होता है बेटा? कोई दो भुजाएं उसके अंदर क्या होती है? आमने सामने वाली कोई दो भुजाएं समांतर होती है। देखो कुछ चीजें बताता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर जाने से पहले मैं ये चीजों के बारे में समझा दूं। सम्मुख भुजाएं, अपोजिट साइड्स। आप जिस कमरे में बैठे हो, अगर आपके सामने वाली दीवार ये मेरी दीवार है और सामने वाली दीवार मेरी क्या होगी? अपोजिट दीवार होगी, मेरी अपोजिट साइड होगी, मेरी सम्मुख भुजा होगी। समझ गए? सम्मुख वॉल, अपोजिट वॉल, सम्मुख दीवार, मेरे सामने वाली दीवार। अब मैं बात करूंगा आसन्न भुजाओं की। तो आसन्न भुजा मतलब मेरी ये वाली दीवार और बिल्कुल सट के जो दूसरी दीवार है उसे मैं आसन्न क्या कहूंगा? भुजा कहूंगा। समझ गए? आसन्न भुजा कहूंगा। समझ गए? तो दो चीजें हैं बेटा, एक सम्मुख भुजा बिल्कुल सामने, आसन्न भुजा जिसे हम एडजेसेंट साइड कहते हैं। एडजेसेंट साइड आसन्न भुजाएं, एडजेसेंट साइड्स बिल्कुल साथ वाली है। ठीक है, एक चित्र के माध्यम से समझते हैं, आकृति के माध्यम से। मान लीजिए मैंने एक आकृति बनाई, ठीक है, और मैं इसका नाम दे देता हूं। मैं इसका नाम दे रहा हूं W X Y Z। एक इंपॉर्टेंट चीज, जब आप नाम देंगे तो चतुर्भुज में आप बाहर बाहर चलेंगे। किसी भी आकृति के जब नाम दिया जाता है तो उसके बाहर बाहर चला जाता है। आपने नाम दे दिया W X Y Z, ऐसे अंदर नहीं घुस सकते आप आकृति के, आपको बाहर ही रहना पड़ेगा। समझ गए बात को? ठीक है, तो अब यहां पर देखो बेटा, बात हो रही है कि सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी हैं। तो यहां पर सम्मुख भुजाएं WZ जो है, WZ किसके सम्मुख है बेटा? तो XY के सम्मुख है, XY के सम्मुख है WZ और XY, ये दोनों आपस में क्या है? सम्मुख है एक दूसरे के। यहां पर WX एंड ZY एक दूसरे के क्या है? सम्मुख है। एक चीज और बताता हूं, आपने मैंने WX लिखा, आप XW भी बोल सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं आसन्न भुजाओं की। तो ये जो XY है, देखो यहां पर XY ये वाली जो भुजा है, इसकी दो भुजाएं इसके आसन्न है। इस भुजा के यहां से ये वाली भुजा आसन्न है, यहां से ये वाली भुजा आसन्न है। समझ गए? तो XY की दो भुजाएं आसन्न हुए क्या क्या? XW और YZ। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं XW तो XW की दो भुजाएं आसन्न होंगी, एक ये वाली भुजा और एक ये वाली, एक तो हुई XY और एक हुई WZ। क्या क्या हुई? XY और W Z, ये दोनों ही इसकी क्या है? आसन्न भुजाएं। इसकी बाकी की आसन्न भुजाएं आप खुद बताएंगे। सम्मुख कोण के बारे में बात करते हैं। जैसे सम्मुख भुजा वैसे ही सम्मुख कोण, अंदर वाले कोण को कोण बोलते हैं बेटा। तो ये जो कोण है, देखो बेटा, एक ये जो एक्स कोण है, मैं इसको किस तरह से? तीन तरह से इसका नाम मैं लिख सकता हूं। इस एक्स वाले कोण का, किसी भी कोण का नाम मैं तीन तरह से लिख सकता हूं। मैं इस वाले कोण का नाम आपको लिखकर बता रहा हूं। देखिए, मैं इस कोण को लिख सकता हूं एंगल एक्स, ये किसका नाम हुआ? एक हुआ कोण WXY, और एक और तरीका इसका हो सकता है क्या? कोण YXW। X जो है वो बीच में रहेगा, इन दोनों में X बीच में है, और यहां पर मैं सिंगल X कर भी इसको नाम दे सकता हूं। पर अगर मैं यहां से एक लाइन खींच दूं और यहां से इसको मिला दूं, तो आपके पास में अब ये एक दो कोण बन गए। तो यहां पर ये जो W है, ये कोण अब नहीं है, क्योंकि अब ये कोण है और यहां से एक कोण है, इसको आप सिंगल W कोण को नहीं बोल सकते। समझ गए? जहां पूरी तरह से दिख रहा है कि हाँ ये एक ही कोण है, दो कोण इसमें से नहीं निकल रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि वो एक कोण है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, समझना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सम्मुख कोण की बात करते हैं, तो बेटा एक्स और जेड आपस में सम्मुख है, तो क्या है? एंगल एक्स जो है और
एंगल Z आपस में क्या है बेटा, सम्मुख है। दूसरी चीज W और Y आपस में सम्मुख है, W और Y आपस में सम्मुख है, तो इसको भी लिख देते हैं एंगल W एंड एंगल Y। मैं एक हिंदी और एक इंग्लिश में लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ाते किसमें हैं, इंग्लिश में पढ़ाते हैं। अच्छा जी, आसन्न कोण की बात करें तो आसन्न कोण यानी कि एडजेसेंट एंगल्स, ये वाला इसका एडजेसेंट एंगल ये भी है, इसका एडजेसेंट एंगल ये भी है, ठीक है। इसके दोनों साथ वाले कोणों को हम क्या कहेंगे, ये वाला हुआ सम्मुख, बाकी जो दो बचे वो क्या हो गए, एडजेसेंट हो गए। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल एक्स के जो है एडजेसेंट क्या है, एंगल डब्ल्यू है और एंगल वाई है। बाकी आप एंगल वाई के एडजेसेंट आप बताएंगे, एंगल जेड के एडजेसेंट बताएंगे, एंगल डब्ल्यू के एडजेसेंट आप खुद बताएंगे कि कौन कौन से एडजेसेंट है। होप समझ में आया होगा ये चीज। अब चलते हैं हम जो मेन चीज है उसके ऊपर, यानी ट्रेपेजियम। जो ट्रेपेजियम होता है, समलंब होता है, इसके अंदर बेटा कोई दो सम्मुख भुजाएं होती हैं जो समांतर होती है, केवल समांतर, बस और कुछ नहीं। ये दोनों समांतर नहीं है बट ये दोनों समांतर है। समांतर किसे बोलते हैं बेटा, पैरेलल। इस तरीके से समांतर का निशान हम शो करते हैं, ये समांतर का निशान है, याद रखिएगा। जब दो लाइनों को हम खड़ा कर देते हैं बराबर में, वो समांतर होती है। तो यहाँ पर ये तीर का जो निशान है, देखिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो तीर का निशान है ये किसको दिखाता है, रेखाओं के समांतर होने को दिखाता है कि ये दोनों रेखाएं क्या है, आपस में समांतर। क्या यहां भी ये दोनों समांतर है? हाँ, तो ये भी हुआ समलंब, ये भी हुआ समलंब। क्या ये समलंब है? नहीं, इसमें समांतर नहीं है इसलिए ये समलंब नहीं है। क्या ये समलंब है? इसमें तो तीर का निशान है मगर इसके अंदर बेटा एक दो तीन चार पांच, फाइव साइड्स हैं, पांच भुजाएं हैं, इसलिए ये समलंब ये भी नहीं है। समझ गए? अब बात करते हैं पतंग की। पतंग के बारे में तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। तो पतंग जो होती है इसकी दो आसन्न भुजाएं, देखिए बेटा यहाँ सम्मुख भुजाओं की बात करती है, यहाँ आसन्न भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। जो आसन्न भुजाएं, ये भुजा इसके बराबर है और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, इसीलिए ये क्या है, एक पतंग यानी एक काइट है। यहां भी देखिए ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये दोनों भुजाएं, ये भी एक काइट है। यहां पर ये काइट नहीं है क्योंकि इसमें चार नहीं पांच भुजाएं हो गई बेटा, एक दो तीन चार, बट ये बीच में यहां पर ये जुड़ा हुआ नहीं है, अलग है, तो इसलिए ये काइट नहीं है। क्या ये काइट है? एक दो तीन, तीन भुजाएं बराबर है परंतु एक भुजा अलग है, इसलिए ये भी काइट नहीं है। होप आपको ये दोनों चीजें तो बहुत अच्छे से समझ आएंगी। अब बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की, जिसे हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। एक आसान तरीका, अगर आपको पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज नहीं लिखना तो आप ऐसे करके भी इसको लिख सकते हैं, दो पैरेलल लाइंस बनाएंगे और ग्राम लिख देंगे आगे, तो आपका पैरेललोग्राम हो जाता है। अब बेटा ये देखो, यहां पर बात करेंगे समांतर चतुर्भुज के अंदर चार गुण होते हैं। क्या होते हैं समांतर चतुर्भुज में? चार गुण होते हैं। चारों गुणों के बारे में मैं अभी बता रहा हूं आपको, मैं यहां लिख दूंगा आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो समांतर भी होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं। यहां पर मैं बोल सकता हूं कि ये जो केजी है, केजी है, ये जो केजी है ये बराबर है किसके, आई एन के, और ये जो केजी है ये समांतर भी है किसके, आई एन के, बराबर भी है और समांतर भी है, ठीक है। उसके बाद आई के, आई के बराबर है किसके, एन जी के, और ये जो आई के है ये समांतर भी है किसके, एन जी के। ये होती है समांतर चतुर्भुज की खासियत, खास बात। समझ गए बात को? अभी रूल से और अच्छे से हम इसको समझेंगे। तो क्या ये एक समांतर चतुर्भुज है? हाँ है। क्या ये एक समांतर चतुर्भुज है? बिल्कुल, ये भी है। क्या ये एक समांतर चतुर्भुज है? बिल्कुल, देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे जा रहा है तो ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या ये समांतर चतुर्भुज है? नहीं, इसमें दो भुजाएं ही केवल समांतर हैं और बराबर भी नहीं है, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। क्या ये एक समांतर चतुर्भुज है? ये तो चतुर्भुज ही नहीं है, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे ये समांतर चतुर्भुज ये भी नहीं है। समझ गए? ठीक है, आप इसे नोट करिए, तब तक मैं आपको रूल्स बताता हूं। समांतर चतुर्भुज के ये चार गुण हैं, ये चार उनकी प्रॉपर्टीज है समांतर चतुर्भुज के अंदर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समांतर चतुर्भुज के बारे में बता दूं, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की जो भुजाएं अभी मैंने बताया है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर भी होती है और बराबर भी होती है, यही बताया था ना। ये भुजा इसके समांतर है और ये वाली भुजा इसके समांतर है, इसका नाम भी दे देते हैं। मैं इसका नाम दे रहा हूं ए बी सी और डी। पहला रूल है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। द अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, बेटा आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो लिखते चलते हैं, पहला रूल मैं यहां लिख रहा हूं, इसके नीचे लिख देता हूं
क्या कि जो AB है वो बराबर होगा किसके, DC के, और जो BC है वो बराबर होगा AD के। पहला रूल ये रूल कहता है। दूसरा कह रहा है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं। द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। कोण का माप भी बराबर होता है, ये कोण और ये कोण, ये चार कोण है। तो यहां पर सेकंड रूल कह रहा है कि एंगल ए जो है वो बराबर है एंगल सी के, सम्मुख कोण बराबर, और दूसरी चीज एंगल बी जो है वो बराबर है एंगल डी के। समझ गए होंगे आप कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर। इसके एक एक डंडा खींच देते हैं सिंगल बराबर, ये दो डंडे खींचकर इन दोनों को बराबर कर दिया। थर्ड बोल रहा है समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं। द एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम ऑफ आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब होता है बेटा 180 डिग्री, इससे पहले होता है कॉम्प्लीमेंट्री। दो कोणों को जोड़ने पर जब आपके पास 90 डिग्री आए तो आप बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि पूरक कोण, और जब दो कोणों को जोड़ने पर आपके पास 180 डिग्री आए तो आप बोलेंगे संपूरक कोण, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण। दोनों कोणों को जोड़ने पर जो आसन्न कोण है, इन दोनों को जोड़ोगे तो भी आपके पास 180 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो भी 180 आएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180। दूसरी चीज एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। तीसरी चीज एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180। ठीक है बेटा, इसी तरह से एंगल डी प्लस एंगल ए भी आपके पास में क्या होगा, 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, अब आप बात करते हैं लास्ट वाले रूल पर। कह रहे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बेटा त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता, कोई भी डायगोनल नहीं होता। चतुर्भुज में एक नई चीज आती है जिसका नाम है विकर्ण, जिसका नाम है डायगोनल। देखिए मैं समांतर चतुर्भुज बनाता हूं, हर चतुर्भुज के अंदर क्या होते हैं, विकर्ण जरूर होते हैं। ये विकर्ण है बेटा जो अंदर एक आसन्न कोण को छोड़कर सम्मुख भुजा से, सम्मुख कोण से, सम्मुख बिंदु पर जाकर लगे। आसन्न इस बिंदु को, ये अपने आसन्न बिंदु को छोड़कर सम्मुख बिंदु से जाकर रेखा को लगे, उसे क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। ध्यान देना ये विकर्ण क्या कह रहा है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि जिस पॉइंट पर ये काटेंगे वहां ये क्या करेंगे, एक दूसरे को बराबर भागों में बांट देंगे। ये पूरा का पूरा लाइन दो बराबर भाग में बढ़ जाएगी बेटा, ठीक है, और ये जो लाइन है ये दो बराबर भाग में बढ़ जाएगी। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो 4-4 सेंटीमीटर में बढ़ जाएगी, ये 10 सेंटीमीटर तो ये 5-5 सेंटीमीटर में बढ़ जाएगी। मैं यहीं पर इसको बना देता हूं अभी, ये मैंने यहां से इसको इस तरीके से खींचा और ये यहां से इसको ऐसे, यहां पर मैं ओ बिंदु पर, मैं मान लेता हूं कि ओ बिंदु पर लग रहा है, तो इसके लिए क्या रूल बनेगा, ये बनेगा कि AO जो है वो बराबर है CO के बराबर। AO और CO क्या हो गया, बराबर हो गया, एक दूसरे को बराबर भागों में बांटेगा। दूसरी चीज BO जो है, BO जो है वो बराबर है किसके, DO के बराबर है। बेटा BO किसके बराबर है, DO के। होप समझ में आया होगा आपको ये, ठीक है। ये चार रूल्स नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम एग्जांपल्स के साथ शुरुआत करेंगे 3.3 की। सारे क्वेश्चंस बहुत स्मूथली आपको समझ में आएंगे क्योंकि आपने अभी से बहुत अच्छे से समझ लिया है। थैंक यू सो मच, जय हिंद। नोट करिए इसको।